आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैरेक्टर कंसेप्ट से लेके फाइनल विजुअलाइजेशन तक कैसे वर्क करेंगे। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा। पहला सॉफ्टवेयर फोटोशॉप। इसमें कंसेप्ट आर्ट को ड्रॉ करेंगे कि एक्चुअल में हमें बनाना क्या है, उसकी पूरी प्लानिंग हम फोटोशॉप में करेंगे। और इसके बाद इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और हम उसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू लेयर को हम ले लेंगे लेयर पैलेट में, जिसके लिए प्लस में आप क्लिक करके एक न्यू लेयर को ऐड कर सकते हो। कंसेप्ट को ड्रॉ करने के लिए एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बहुत डिटेलिंग आप इसमें ऐड करो, एक बेसिक सा ड्राइंग भी चलेगा। ब्रश टूल को लेने के बाद आप यहाँ पे जाके कई सारे डिफरेंट ब्रशेज हैं, इसको चूज कर सकते हैं। सपोज मैं अभी वेट ब्रश को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसका काम सिर्फ एक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए यूज करना है और कुछ भी नहीं। ओके, और यहाँ पे इसके पॉइंटर को आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे तो इसका डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी फ्लो को सेट कर लेंगे, 100% मैं रख लेता हूँ। चूंकि मैं वॉकॉम का टैब यूज कर रहा हूँ तो मैं इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑन कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पे भी पेन एंड पेपर से ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फोटोशॉप में जाके ही ड्रॉ करेंगे तभी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये कंसेप्ट को समझना है। ओके, तो अभी जैसे मैं एक हील का बना रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। सो यहाँ पे एक अप्स एंड डाउन्स हम करके बनाएंगे। तो लेआउटिंग लैंडस्केप का जो होगा वो आप सेट कर लेंगे, और इस पे कई सारे मल्टीपल लेयर्स भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक को नीचे यहाँ पे डाउन कर देता हूँ और कलर के कॉन्ट्रास्ट के साथ वर्क करेंगे। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपको बहुत सारा आइडिया देगा। ओके, सो यहाँ पे हमने एक लेयर ये बना दिया, एक दूसरा लेयर ये हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, और ये अलग अलग होगा। इसमें कलर्स अलग होंगे, जैसे कि सामने वाले में मैं ब्लैक कलर रखूंगा, इसके बाद में थोड़ा उससे लाइट कलर। इस तरह से हम लोग कलर के शेड्स के साथ वर्क करेंगे। एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट भी मैं बताने वाला हूँ, जिसमें जाके आप कलर के पैलेट को, उसके शेड्स को प्रोफेशनली सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, और यहाँ पे इसके पीछे की तरफ एक हील का एरिया हमें बनाना है। तो हील का एरिया बनाने के लिए मैं सपोज कुछ ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे हम मून को डाल देंगे। नाइट का सीन बनाना है कि डे का सीन बनाना, उसी के बेसिस पे कलर को आप चूज करेंगे। और यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया। ओके, अब कैरेक्टर को बनाएंगे। तो एक न्यू लेयर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस वाले लेयर को लॉक कर सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ से लॉक कर लीजिए। और इस न्यू लेयर पे अब कैरेक्टर को बनाना है। कैरेक्टर आपको कैसा बनाना है, एक एग्जांपल के तौर पे कोई पर्सन है जो हैट पहना हुआ है। ओके, जूम इन कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे जरूर बनाएंगे जिससे हमें एक आइडिया आ जाए। ओके, अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसका बैक साइड का मान लो हमें बॉडी दिख रहा है, तो इसमें मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। और ये लगेज वगैरह इसके साथ जो है, यानी ट्रैवल के लिए जो लगेज वगैरह होते हैं, बैक पैक्स होते हैं जो कैंपेनिंग के लिए यूज किया जाता है, कुछ उसको हम यहाँ पे बना दे, इसकी वजह से मैंने ये दे दिया। फाइन, यहाँ पे हैंड को बनाएंगे और इसके साथ एक स्टिक भी बना देंगे बाद में। बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैं, और ये सारे ब्लैक कलर में होंगे, इसमें कुछ कलर आपको नहीं लेना जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो देखो, जो भी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप सिर्फ पोस्ट बैठ के बना रहे हो तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो जो कि 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर डिजाइन वगैरह सीख लेते हो, अगर कंसेप्ट आर्ट बनाना आता है, तो आपकी सैलरी लाख में हो सकती है। आप फ्रीलांसर के तौर पर मार्केट में वर्क कर सकते हो और महीने के 4-5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। ओके, ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना एक्सपर्टीज है, आपका कितना लिंक है और कितना स्मार्ट तरीके से आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि बेसिक ग्राफिक डिजाइनर बन के कोई फायदा नहीं है। ओके, हम लोग 2024 में है। तो यहाँ पे एक हम कैरेक्टर को बना दे रहे हैं और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दूंगा। परफेक्ट, यहाँ पे इससे रिलेटेड हैंड हमने रख लिया और मान लो एक स्टिक वगैरह रख दिया, ये हम रख सकते हैं। तो एक विजुअलाइजेशन करना बड़ा जरूरी है आर्ट में। क्या होता है कि जब हम एज अ फ्रीलांसर मार्केट में वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें क्लाइंट को सैंपल दिखाना पड़ता है। आप हर चीज का फाइनल आउटकम बना के डायरेक्ट नहीं दिखाते। सबसे पहले स्टेप में कंसेप्ट को फाइनल किया जाता है, वो फाइनल हो जाता है, फिर जाकर के उसमें आप डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करो, उस पर काम करो। ऑलराइट, तो चलिए अभी मैं यूज करने वाला हूँ विंडो की शिफ्ट और एस। इससे हम किसी भी स्क्रीन का एक शॉट ले सकते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेटर पे चले जाएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सिलेक्शन में था इसी की वजह से इस तरह से आ रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप हटा दो। कुछ सेटिंग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिट मेन्यू में जाएंगे, प्रिफरेंस पे जाएंगे, जनरल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्केल, कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। इन दोनों ऑप्शन को ऑफ करके रखना है। क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया। देखो, इलस्ट्रेटर को सीखना है तो प्लेलिस्ट पे जाकर के जो मैंने कोर्स बनाया उस पे जाके देख, और मैंने प्लान करके रखा है। जल्दी मैं आप सभी के लिए एक नया कोर्स लेके आने वाला हूँ इलस्ट्रेटर का। अगर आप उस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, मैं लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, आप इनरोल कर सकते हैं कोर्स में।
डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल शेयर किया हुआ है, अभी के लिए इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, ओके में क्लिक कर देंगे और हम लेयर पे जाकर के इसे मैनेज करेंगे। तो विंडो मेन्यू में जाएंगे, विंडो मेन्यू में जाने के बाद हमें लेयर्स मिल जाता है और लेयर में इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे क्योंकि इसे हम बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना चाहते हैं ना कि मेन कैरेक्टर के रूप में। यहाँ पे लॉक कर देंगे, एक न्यू लेयर को ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें और डिटेलिंग्स को ऐड करने वाले हैं। आप चाहे तो एक बेस बना लेंगे जिसके लिए रेक्टेंगल हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से डिफॉल्ट कलर आ जाएगा, फिल कलर को नन कर देते हैं। यहाँ से एक फ्रेम हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फ्रेम रखने से आपको थोड़ा इजी होगा वॉक करने के लिए। बेसिक शेप्स या फिर रेक्टेंगल, किसी भी बेसिक शेप को यूज कर लो या फिर पेन टूल को यूज कर लो, अल्टीमेटली वर्क करना आना चाहिए। फाइन, यहाँ पे इलिप्स टूल को यूज करके हम एक सर्कल बना लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो ये सब लाइन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो लाइन टूल मैंने ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट हमने ड्रॉ किया शिफ्ट होल्ड करके, कर्वेचर टूल को लेकर के इसको हम कर्व बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेन टूल में थोड़ा प्रैक्टिस करें, बिकॉज पेन टूल को स्किप करके आप कभी भी कैरेक्टर विजुअल डिजाइनर तो नहीं बन सकते, क्योंकि आप हर जगह बाकी सारे शेप्स के साथ कुछ काम चलाने वाला कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आई सजेस्ट कि पेन टूल ले। अब हम इसे बनाएंगे, जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाएं, वो तो मैंने आपको एक रेफरेंस देने के लिए दिया था। मैं थोड़ा इसमें चेंजेस भी करता हूं और मुझे लगेगा तो फिर मैं बाद में भी चेंजेस इसमें करूंगा। मान लो कैरेक्टर के पोजीशन को थोड़ा ऊपर दिखाना है, ये थोड़ा ऊंचे वाली जगह पे, तो ज्यादा डोमिनेट करेगा वो कैरेक्टर, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि बाकी चीजों को नीचे की तरफ कर दे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। इस पोर्शन पे कैरेक्टर खड़ा है और ये थोड़ा अपसाइड है, नीचे नहीं है, ऊपर है। फाइन, अब हम फिर से पी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे जाके जो सेकेंड लेयर है उसको ड्रॉ करते हैं। हम इसमें छोटे छोटे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो जूम इन करके भी वर्क कर सकते हो, चलेगा। इसमें मैं यहाँ पे कुछ रैंडम अप्स डाउन्स करूंगा, स्किप बटन को यूज करेंगे और इसके बाद फिर थोड़ा और इसमें अप्स एंड डाउन्स हम करेंगे, जिसमें कलर वगैरह बाद में हम फिल कर देंगे। तो सीन बनाने की जरूरत बहुत बार हमें पड़ती है, कैरेक्टर विजुअलाइजेशन तो है लेकिन सीन भी अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती है हमें। एज अ कैरेक्टर डिजाइनर सीन विजुअलाइज करना भी बड़ा जरूरी है, तभी आप जाकर के कैरेक्टर उस सीन के बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेयर्स में से डिवाइड कर दिया है, हम इसे सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अभी के लिए। और ये सब होने के बाद कुछ और स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वायर फ्रेम को विजुअलाइज करें कि जो आपका कंसेप्ट उसके बेसिस पे, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो देखिए दिख कैसा रहा है। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लीजिए, ड्रैग करिए, सिलेक्शन कीजिए, पोजिशन को चेंज कीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वर्क अच्छे से कर सकते हैं इस पर। तो हमारा कैरेक्टर रेडी होना चाहिए, इसमें सारे काम अच्छे से होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फाइन, यहां तक होने के बाद अब जैसे कि आपको ये सेपरेट करना है, ये मुझे सेपरेट चाहिए कलर फिल करने के लिए, ये सेपरेट चाहिए कलर फिल करने के लिए, अगर सेपरेशन नहीं होगा तो हम वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए सभी का सिलेक्शन करेंगे एक्सेप्ट इस सर्कल को छोड़ के। तो ड्रैग करके सभी का मैंने सिलेक्शन किया। हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल का काम होता है चीजों को ऐड, सब्ट्रैक्ट और सेपरेट, ये तीन चीजें होती है वो इससे की जा सकती। अब यहाँ पे जैसे हम जाएंगे, अगर वो क्लोज्ड शेप बना रहा है तो क्लिक करने से वो एक शेप बना देगा। ओके, फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इन सभी को भी सेपरेट बना रहे हैं, इसको भी सेपरेट बना रहे हैं, इसको भी सेपरेट बना रहे हैं। अभी के लिए मैंने सारी चीजें सेपरेट कर दी एक्सेप्ट दिस वन। अल्ट होल्ड करके जो अनवांटेड लाइन है इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके से डिलीट करूँ। ध्यान रखिएगा कि इनसाइड वाले को डिलीट नहीं करना है, जूम टूल को यूज करके थोड़ा जूम कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हटाना है अल्ट होल्ड करके। अल्ट होल्ड करेंगे तो माइनस का वो काम करेगा। ओके, यहाँ पे इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए कई जगह पे आपको थोड़े थिक वाले आउटलाइन दिखेंगे, कहीं पे थोड़ी से थिन दिखेंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है पोजीशन। तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेंगे, ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे। स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं अलाइनमेंट। इसमें सेंटर को चूज करेंगे। सेंटर का मतलब क्या होता है, 50% इनसाइड 50% आउटसाइड, एकदम से बाहर नहीं रखना, एकदम से अंदर नहीं रखना है। और कलर को यूज करना चाहते हो तो कलर के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलर हंट, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कलर हंट। ओके, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे तो कलर हंट वेबसाइट आ जाएगा। किस तरह के कलर पैलेट की आपको जरूरत है, आप उस तरह के कलर पैलेट यहां से चूज कर सकते हैं। पेस्टल कलर को यूज करना चाहते हो तो पेस्टल कलर ले लेंगे,
ओके तो पेस्टल कलर एक अच्छा आउटपुट देगा इन सारे केसेस में। यहाँ पे कुछ शेड्स ऑफ कलर है, जरूरी नहीं है कि पूरा आप बिल्कुल उसी तरीके से यूज करें जैसा यहाँ पे है, आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर कलर को पिक करके अगर आपको नया पैलेट भी बनाना है तो उस केस में आप इस कंसेप्ट के साथ आगे जा सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर खुद का कलर यूनिक बनाना है तो वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑप्शंस है, जैसे विंटेज का कलर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रेट्रो है, नियोन है, गोल्ड है, तो ये पूरे कलर के पैलेट है। और कलर को कैसे यूज करना है, कैसे ऐड करना है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में। तो मान लो ये दो कलर अभी मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ, तो इस कलर कोड पे आके जैसे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। इलस्ट्रेटर को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक आप करते हो तो कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, ओके में क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। विंडो मेन्यू में जाके स्वेचेस पैनल आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें सारे कलर्स आपको एक साथ मिलेंगे स्वेचेस, ठीक है। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, साइज को हम थोड़ा बड़ा करके सेपरेट कर लेते हैं, अनवांटेड चीजों को क्लोज कर देते हैं। इस कलर को उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप अगर यहाँ पे करोगे तो आप देख सकते हो कि वो नया कलर ऐड हो चुका है। आप चाहे तो एक फोल्डर भी बना सकते हो, ओके नया फोल्डर बन गया उस सेलेक्टेड कलर के साथ, जो जो कलर आपको फिल करना है आप चाहो तो उसका एक सेट बना लो, फाइन। अब हम अगर फिल करना चाहते हैं ना तो सिलेक्शन करके उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, क्लिक करके सिलेक्शन करो, ड्रैग करके सिलेक्शन करो, कलर को फिल करो। व्हाइट कलर हमें चाहिए तो सिलेक्शन करेंगे इस पर्टिकुलर का और यहाँ पे फिल करेंगे। आउटलाइन नीचे दोनों का सिलेक्शन करके आउटलाइन में क्लिक करेंगे, अपसाइड आ जाएगा, नन कर देंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा ना उसमें आपको विजुलाइज करना है, सेकेंड स्टेप पे उसको थोड़ा एक आउटलाइन वायर फ्रेम देना है, और थर्ड लाइन पे इसको डिटेल में हम दिखाने के लिए डिटेलिंग्स और ऐड करेंगे। जहां पे जरूरत है साइज को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ओके। अब हम सिलेक्शन करेंगे, आप चाहे तो यहाँ के कलर पैलेट को भी यूज कर सकते हो या फिर लाइब्रेरी में भी जाके नेचर से रिलेटेड, ग्रेडियंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये सब आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पैनल को प्रॉपर ओपन कर लिया है, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से भी नेक्स्ट और प्रीवियस में जा सकते हैं, ओके। अब मुझे ये वाले एरिया को थोड़ा डार्क करना है, ऊपर का कॉन्ट्रास्ट सेट कर लिया, नीचे का कॉन्ट्रास्ट बनाना है, तो डार्क कलर में कैसे कलर्स की जरूरत है आप यहाँ से इस पैलेट में से चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही कलर रखेंगे, डार्क शेड कलर कोई भी रख सकते हैं। सपोज मैं इसको अगर चूज कर लूं, क्लिक करेंगे, सिलेक्शन कर रहे हैं, फिल कलर को अपसाइड करेंगे और यहाँ पे कलर को डाल देंगे, ओके। थोड़ा और डार्क मुझे चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो डबल क्लिक करके इसको और थोड़ा डार्क हम कर सकते हैं, और इसके आउटलाइन की जरूरत नहीं है तो कर लेंगे नन। यहाँ पे कलर हमें ऐड करना है, कैरेक्टर को हम बाद में बनाएंगे, पहले सीन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हमें ऐड करना है, कैसे कलर चाहिए, क्या यहाँ के कलर्स हमें ऐड करने हैं, मेक श्योर कि फिल कलर को अपसाइड रखेंगे तो ही वो कलर्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और भी शेड्स ऑफ कलर है, तो किस तरह का शेड ऑफ कलर आपको चाहिए वो आप डिसाइड करो, और उसके बेसिस पे हम इसे लाइट रख सकते हैं। मान लो मैंने कुछ इस तरह का लाइट रख दिया, अगर मैनुअल चेंजेस करना है तो डबल क्लिक करके यहाँ पे भी कलर में थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं। सपोज मैं इसको ये कलर के साथ ओके करके कंटिन्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो ये जो लेयर हमें मिलने वाला है इसमें सिमिलर टाइप के शेड्स का कलर हम फिल करने वाले हैं। कंट्रोल जेड, ध्यान रखिएगा कि प्लेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे कलर को चूज करने वाला हूँ, फिल कलर को अपसाइड रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कलर को हम फिल करते हैं इस वाले में, तो हम फिल कलर में एक कलर हमने डाल दिया, इसके ऊपर वाले में एक डार्क कलर को डाल दिया, इसके ऊपर में एक लाइट कलर को डाल दिया। तो डिफरेंस थोड़े होने चाहिए तभी जाकर के वो अच्छे से विजिबल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कुछ और कलर को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कलर के सेट्स हमें मिल जाएंगे, पीछे की तरफ आ रहे हैं कुछ वाइब्रेंट कलर ये सारे हैं। तो कैसे कलर्स आपको यूज करने हैं ये डिपेंड करेगा, एंड उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर लो, ओके। अगर आप चाहें तो इन सारे कलर्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे एक ही जैसा कलर रखना है तो सारे का सिलेक्शन करके सिंगल कलर हमने डाल दिया, तो अभी तो एक जैसा कलर दिख रहा है। अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सिलेक्शन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हम थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट करके बना सकते हैं। एक ही कलर को अगर आप यूज करना चाहते हो, थोड़े शेड्स में चेंजेस करने हैं, तो उस केसेस पे आपको ये वाला कंसेप्ट काफी हेल्प करेगा। थोड़ा हमने चेंज कर दिया, सभी का सिलेक्शन करेंगे, आउटलाइन स्ट्रोक में क्लिक करके उसको नन कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो काफी अच्छा सा एक आउटपुट आ जा रहा है, इसमें थोड़ा डिफरेंस की जरूरत हमें है, सो हम इसमें कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके में क्लिक कर लेते हैं तो वो एक अलग सा आउटपुट दे देगा। इसको और थोड़ा चेंज करना है तो डबल क्लिक, और थोड़ा डार्क अगर करना चाहते हो तो डार्क, देखो ये करंट है और ये न्यू कलर है, मतलब कि जो नया कलर होगा, ओके में क्लिक करेंगे तो हमने इसे सेट कर लिया। यहां तक सेट करने के बाद अब हम इसे एक आउटलाइन देंगे जो कि पूरे फ्रेम को डिफाइन करेगा,
सो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को यूज कर रहा हूँ, और रेक्टेंगल टूल से हम एक रीजन क्रिएट करेंगे जो कि बॉक्स की तरह वर्क करेगा। स्विच कर लेंगे, वेट ऑफ स्ट्रोक को मैं 2 रख लेता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब बात आती है कैरेक्टर से रिलेटेड। तो ये सब करने के बाद लेयर पैलेट को ओपन करें, इस लेयर को लॉक कर लें, ठीक है। ये हमारा सेट हो चुका है। अब हमें कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके लिए एक न्यू लेयर में लेने वाला हूँ। और कैरेक्टर को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास ये एक लेयर है, अगर हम चाहें तो इन दोनों को हाइड कर सकते हैं, कैरेक्टर दिखेगा, और इसे एज अ बेस की तरह हम यूज कर सकते हैं, फाइन। लेकिन न्यू लेयर पे हम ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब हम चलते हैं, पेन टूल के साथ भी चल सकते हैं, चाहे तो बेसिक शेप्स के साथ भी चल सकते हैं। बेसिक शेप को इस्तेमाल करके मैं फटाफट से बना लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे, दोनों को ड्रैग करके राउंडेड कर लेते हैं, ओके। कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी हम लोग यूज करेंगे टाइम को थोड़ा बचाने के लिए। आप इलस्ट्रेटर को डिटेल में सीख सकते हैं, मैंने फ्री ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा है मेरे प्लेलिस्ट पे जाके इस चैनल के, आप देख सकते हो और उसे काफी कुछ सीख सकते हो। देखो, प्रोफेशनली मार्केट में काम करना है तो नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा। टूल्स का ही नॉलेज नहीं होगा तो काम कैसे करोगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार टूल्स के नॉलेज से क्या होता है, बहुत कुछ होता है ना। अब बाइक चलाना शुरू करते हो, कार चलाना शुरू करते हो, बेसिक्स आपको नहीं पता तो कार ऐसे ही थोड़ी रेस में उतर जाओगे। तो बिना सीखे बेसिक्स काम नहीं चलेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि खुद को वहीं तक लिमिटेड आप कर लो, उससे भी काम नहीं चलेगा, लेकिन आप उसको स्किप तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, ये वाला सेक्शन हमने सेट कर लिया। और अगर आप एक तरफ बना रहे हो, दूसरी तरफ भी आपको सिमिलर चाहिए, तो आप उसमें मिरर वाले फंडे को अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो अभी मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रैंडमली बना रहा हूँ, क्योंकि एक जैसा तो नहीं चाहिए यार, थोड़ा डिफरेंट तो चाहिए होगा हमें। सो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे सेट करके बॉडी के पार्ट को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो कितना इजी है, देखो इलस्ट्रेटर पे जो है ना, वो बहुत अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हो आप, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ स्टूडेंट बिना एफर्ट का, बिना मेहनत का, बिना टाइम का, बिना पैसा खर्च किए, कमाना उनको लाखों में है और खर्च 1000 रुपए नहीं कर सकते, तो फिर दिक्कत होगी। फिर आप सिर्फ सोच सकते हो कि आप क्या करने वाले हो, एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वो सब चीजें खरीदनी पड़ेगी जिसकी जरूरत है आपको, है ना, ओके। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, काफी इजिली बना दिया। और यहाँ पे पोर्शन में, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल कलर के साथ रखना है, ज्यादा कुछ हमें डिटेलिंग्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ऐसे केसेस में। और हम इसी को कॉपी कर लेंगे ड्रैग करके, और यहाँ पे इसको फ्लिप कर देते हैं। सो मैंने एक रफली कुछ इस तरह से बना लिया इसको, शू की तरह का करने के लिए, परफेक्ट। और यहाँ पे एक स्टिक बनाने के लिए मैं लाइन को ड्रॉ कर लूंगा, मेक श्योर कि एक लाइन को ड्रॉ कर ले, वो टेढ़ा रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि उस पर वो वेट डालने वाला है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दे कुछ कॉलर की तरह का, और फिर यहाँ पे ये स्विच कर दे कलर, ठीक है। तो कॉलर की तरह का बन गया, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। इस वाले पोर्शन को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए, मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से एडजस्ट करें। ऑल्ट होल्ड करके दोनों तरफ से ड्रैग करें, थोड़ा सा इसको अप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया, परफेक्ट, ओके। अब हम इसका सिलेक्शन पूरे का करेंगे, नीचे वाले लेयर को हाइड कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ग्रुप में चूज कर लेते हैं ग्रुप ऑप्शन को। अगर आपको और भी कैरेक्टर डिजाइनिंग सीखना है, इलस्ट्रेशन सीखने हैं भाई, तो नीचे मुझे बताओ कमेंट करके, सीखना है तो। और हाँ, प्लीज सपोर्ट जरूर करें, इतना मेहनत से आपके लिए टाइम निकाल के, कई सारे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को छोड़ के मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। अभी तक आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से हम बना रहे हैं। इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अभी मैं कई सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यस, आने वाले दिनों में आपको और भी काफी सारे मिलेंगे, थोड़ा सपोर्ट आप करो, मुझे भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में। और आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे करके हम ग्राफिक्स को तैयार करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, अगर आपको इस तरह की और चीजें सीखनी है, आप भी खुद ट्राई करो, कंसेप्ट डेवलप करो और फिर बनाओ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, देखो एंटरटेनमेंट वाला वीडियो तो नहीं है 2 मिनट का, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। सीखो और इसको एक्सप्लोर करो, और कई जगह पे ले जाके आप इसको इस तरह के डिजाइन बना के पोस्ट करो, और इससे अर्निंग करना शुरू करो। आज के इस कोर्स के लिए इतने, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।